नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। क्या आपके पास भी दो बैंक अकाउंट है? क्या आपने भी कई बैंकों में अपना खाता खुलवाया है लेकिन उसका उपयोग आप नहीं करते? तो संभल जाइए, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं एक से अधिक बैंक अकाउंट रखने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप अपनी गाढ़ी कमाई से भी हाथ धो सकते हैं। दरअसल नौकरी पेशा अपने करियर में कई बार कंपनी बदलते हैं। कंपनी बदलने के दौरान सैलरी के लिए नए नए बैंक में खाते भी खोले जाते हैं। नए खाते खोलने पर पुराना खाता बंद नहीं होता। एक दिन पता चलता है कि किसी एक खाते से धोखाधड़ी हो गई है। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसे में अगर आपके भी कई बैंक अकाउंट है और उनमें से एक दो एक्टिव नहीं है तो उन्हें बंद करा दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में बड़ा नुकसान हो सकता है। सेविंग अकाउंट में बदल जाता है सैलरी अकाउंट। किसी भी सैलरी अकाउंट में अगर 3 महीने तक सैलरी के पैसे नहीं आते तो वो सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। सेविंग अकाउंट में बदल जाने से खाते को लेकर बैंक के नियम भी चेंज हो जाते हैं। फिर बैंक उसे सेविंग अकाउंट के रूप में ट्रीट करते हैं। बैंक के नियम के मुताबिक सेविंग अकाउंट में एक न्यूनतम राशि मेंटेन करनी जरूरी है। अगर आप यह मेंटेन नहीं करते तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है और आपके खाते में जमा रकम से बैंक पैसा काट सकता है। नहीं मिलेगा बेहतर ब्याज। एक से अधिक बैंकों में अकाउंट होने से आपको एक और बड़ा नुकसान हो सकता है। अपने हर अकाउंट को मेंटेन करने के लिए उसमें राशि का एक तय अमाउंट रखना ही होगा। यानी एक से ज्यादा अकाउंट होने से आपका बड़ा अमाउंट तो बैंक में ही फंस जाएगा। उस राशि पर आपको ज्यादा से ज्यादा 4-5% ही सालाना रिटर्न मिलता है। वहीं अगर सेविंग अकाउंट में पैसे रखने के बजाय दूसरी योजनाओं में लगा देते हैं तो आपको सालाना रिटर्न के तौर पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। क्रेडिट स्कोर भी होता है खराब। अगर आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है तो इसका खराब असर आपके क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ता है। आपके खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन नहीं होने से क्रेडिट स्कोर खराब होता है। इसलिए कभी भी निष्क्रिय खाते को हल्के में ना ले और नौकरी छोड़ने के साथ ही उस खाते को बंद करा दे। इनकम टैक्स फाइल करने में भी होती है परेशानी। ज्यादा बैंकों में अकाउंट होने से टैक्स जमा करते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कागजी कार्रवाई में भी अधिक माथापच्ची करनी पड़ती है। साथ ही इनकम टैक्स फाइल करते समय सभी बैंक खातों से जुड़ी जानकारियां रखनी पड़ती है। अक्सर उनके स्टेटमेंट का रिकॉर्ड जुटाना काफी पेचीदा काम हो जाता है। लगते हैं ये एक्स्ट्रा चार्जेस। कई अकाउंट होने से आपको सालाना मेंटेनेंस फीस और सर्विस चार्ज देने होते हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अलावा अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए भी बैंक आपसे पैसे चार्ज करता है, तो यहाँ भी आपको काफी पैसों का नुकसान उठाना पड़ता है। फ्रॉड का भी होता है खतरा। कई बैंकों में अकाउंट होना सुरक्षा के लिहाज से भी सही नहीं होता है। हर कोई अकाउंट का संचालन नेट बैंकिंग के जरिए करता है। ऐसे में सभी का पासवर्ड याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है। निष्क्रिय अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करने से इसके साथ फ्रॉड या धोखाधड़ी होने के चांस बहुत अधिक हो जाते हैं। क्योंकि आप लंबे समय तक इसका पासवर्ड नहीं बदलते, इससे बचने के लिए अकाउंट को बंद कराएं और इसके नेट बैंकिंग को डिलीट जरूर कर दें। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।